How are you all? Welcome to the next video from your science book of class 2. हम कर रहे हैं chapter number 7 जिसका नाम है food we eat. चलिए तो देखते हैं इस chapter में क्या है. All living beings need food for growth and for keeping themselves healthy. Food gives us the energy to work and play. Food हमें क्या energy देता है? खेलने की, चलने की, हर काम करने की energy हमें कौन देता है? Food. Food groups देखते हैं हम. Different kinds of food help us in different ways. These food items are divided into different food groups which are discussed below. Now, first is energy giving food. Wo food jo hame taakat dete hain. Right, some food items are good sources of energy. We use this energy to work and play. These food items are called energy giving food. Chapati, rice, sugar and potato are some examples of energy giving food. वो फूड जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को काम करने के लिए ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है, वो होते हैं एनर्जी गिविंग फूड. जैसे चपाती, राइस, शुगर, ये सब एनर्जी गिविंग फूड हैं. नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड. जो हमारे मसल्स को, हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, ये आइटम्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं और हमारे टीथ और बोन्स को स्ट्रांग रखते हैं. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिल्क. और देखते हैं चीज़, फिश, एग्स, पल्सेस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बॉडी बिल्डिंग फूड के. नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड्स. वो फूड आइटम्स जो हमारी बॉडी को सारे डिसीजेस से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. देखिए, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं. दीज फूड आइटम्स कीप अस हेल्दी एंड फिट. ये फूड आइटम्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और फिट रखते हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स. ठीक है, चलिए अब देखते हैं वाटर. हमारी बॉडी को वाटर तो बिल्कुल चाहिए ना, राइट? वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. नेक्स्ट, वाटर किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? रिमूव करने के लिए वेस्ट को हमारी बॉडी से और फूड को डाइजेस्ट करने में भी. हमें रोज एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर तो पीना ही पीना चाहिए. हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए. ठीक है, और वाटर की ना तो कोई स्मेल होती है ना कोई टेस्ट होता है. नेक्स्ट इज मेन मील्स. चलिए देखते हैं 3 मेन मील्स ऑफ द डे क्या क्या होते हैं. फर्स्ट होते हैं ब्रेकफास्ट. वी स्टार्ट आवर डे विद ब्रेकफास्ट. इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे. तो ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है. हमें कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए, राइट? और ब्रेकफास्ट से हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी दिन को शुरू करने के लिए. नेक्स्ट इज लंच. लंच इज आवर आफ्टरनून मील. डिनर इज द लास्ट मील ऑफ द डे दैट वी टेक इन नाइट. लंच हम आफ्टरनून में करते हैं और डिनर हम लास्ट मील. हमारे डे का लास्ट मील क्या होता है? डिनर. अब हमें बीच बीच में कभी कभी भूख लग सकती है, हम हंगरी फील कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम स्नैक्स खा सकते हैं, राइट? जैसे हम इस तरीके से सैलेड खा लें, राइट? या फिर वी कैन ईट सम वेरी हेल्दी स्नैक्स लाइक यू कैन ईट पीज, यू कैन ईट नट्स, राइट? रोस्टेड नट्स एंड पीज, ऑल दीज थिंग्स. यू कैन ईट मखनास, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन हैव इन योर स्नैक्स. ओके, नाउ लेट्स डू दीज फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. व्हाट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे? ब्रेकफास्ट. तो आप यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए, ब्रेकफास्ट. ओके, वी शुड ईट डैश इन द आफ्टरनून. वी शुड ईट लंच इन द आफ्टरनून. We start our day with breakfast. फिर से यहाँ पे breakfast आएगा. We eat dash at night. We eat dinner at night. ठीक है, अब है healthy eating habits. हमें अपने जो food है उसे बिल्कुल healthy तरीके से खाना चाहिए. हमें well cooked food खाना चाहिए, right? हमें clean plate में और clean utensils और clean glasses use करने चाहिए. हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए. जो अगर हम खराब फूड खाएंगे, स्टेल फूड खाएंगे, तो हम अनफिट हो सकते हैं, राइट? हमें हमेशा प्रॉपर मील्स लेने चाहिए और मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए. हमें अपने फूड को प्रॉपरली च्यू करना चाहिए, ठीक है? और ब्रेकफास्ट मैंने आपको पहले भी बताया, कभी भी स्किप मत कीजिए. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग देम. Never forget to wash your hands before and after every meal. अपने हैंड्स को ज़रूर वॉश कीजिए, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी. We should not watch television while eating food. TV नहीं देखना चाहिए, right? और फ़ोन भी नहीं देखना चाहिए. We should not buy uncovered street food. और हमें uncovered street food तो बिल्कुल भी buy नहीं करना चाहिए. Now let's do the trick the correct answer. We can divide the food into
three main categories. Fruits and vegetables are protective foods or energy giving, protective foods. We should wash our hands before and after every meal. We should try to stay away from junk. Dash is our afternoon meal. Lunch हमारा जो होता है afternoon meal होता है. ठीक है, चलिए आगे देखेंगे fill in the blanks. Fruits and vegetables help us to fight with diseases. तो हम यहाँ लिख देंगे diseases. आगे देखते हैं uncovered street food makes us, yes it makes us sick. Next, dash gives us energy. क्या हमें energy देता है? Food. Food हमें energy देता है. Dash and dash are the bodybuilding foods. क्या है? Milk and, दूसरा example हमें यहाँ पे options में दे रखा है, eggs. So milk and eggs. समझ आया आप लोगों को? आगे देखते हैं. To remain healthy, we must eat a balanced diet. ठीक है, चलिए अब करेंगे true and false. We should always wash our hands before and after meal. True. We should not chew our food properly. False. हमें करना चाहिए. We should buy uncovered food. False. हमें नहीं करना चाहिए buy. We should never skip breakfast. ये बिल्कुल true बात है. और we should not watch television. ये भी बात बिल्कुल सही है. चलिए आपको समझ आ गया होगा. So now that's it for this video. Stay tuned for the new video, everyone. I will meet you in the next one now. Till then, goodbye and take care.